हाँ दादा, आप तो 50-60 साल से वोट डाल रहे हैं, कौन सा नेता 60-70 साल में सबसे बढ़िया लगता है आपको? ये बता रहे हो ऐसी बात, ये ठीक है बात नहीं। आपको नेता कौन सा बढ़िया लगता है? नेता है जो खान पीने को दे रहे हैं मोदी। मोदी जी, मोदी जी क्या देते हैं आपको? आपको पेंशन देते हैं। मिल रहा है पेंशन? पेंशन देते हैं। वोट किसको गिरेगा? वोट उसको देना जो हमें कुछ दे रहे हैं। आपको कौन दे रहा है? राशन दे रहा है मोदी। मोदी जी, अच्छा। तो देखिए, ये इस गांव की तस्वीर है। सड़क के किनारे बैठकर लोगों के बीच बॉर्डर की समस्याएं पहुंचाने का मकसद यही था कि बॉर्डर के इलाकों में इस चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। लेकिन अभी कस्बों की राय बाकी है, अब आप बाजार के इलाकों में चलेंगे। कठुआ के कस्बों में जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर क्या है माहौल, वो आपको आगे बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद हम बॉर्डर से लेकर ग्रामीण इलाकों की राय आप तक रख चुके हैं, लेकिन अब हम मेन चौराहे पर आ गए हैं और चारों तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी। ऐसे में कस्बे में इस चुनाव को लेकर लोगों की राय क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस बार के चुनाव में कठुआ में क्या कुछ चल रहा है। कैसे हैं मुल्ला जी? नमस्कार, कैसे हैं? आदाब, कैसे हैं? कैसा चल रहा है धंधा पानी? क्या नाम है आपका? मोहन। क्या नाम है? मोहन। मोहन क्या नाम है? मोहन। मोहन, अच्छा, आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? हिंदू हैं। अच्छा, आपने लुक पूरा मुसलमानों वाला रखा है। अच्छा, मुझे लगा कोई मुल्ला जी होंगे। मोहन लाल। हाँ जी। तो मोहन लाल जी, ये बताइए कैसी चल रही है दुकानदारी? दुकान तो आपकी बड़ी सुंदर है। ठीक ठाक चल रही है। बढ़िया मौसमी रखा हुआ है, नाशपाती है, नारियल है, केला है, बिक्री विक्री ठीक ठाक है? ठीक है। चुनाव चल रहे हैं मालूम है आपको? हाँ। जम्मू कश्मीर में चुनाव है? हाँ, चल रहे हैं। चल रहे हैं? हाँ। कौन सा नेता बढ़िया लगता है? नेता मोदी जैसा है। हाँ। अच्छे है नेता। मोदी जी अच्छे नेता है? हाँ। और राहुल गांधी जी में क्या हुआ है? राहुल जी भी अच्छे नेता है? वो भी हुए अच्छे है। अच्छा। हाँ। तो जम्मू कश्मीर के लिए बढ़िया नेता कौन है? मोदी। मोदी जी, मोदी क्या किया है ऐसा? मोदी जी ने बहुत काम किया, बताइए आप। सब काम किया मोदी ने, सब काम किया, सारे काम किए सब। क्या बताओ, दो चार काम बताओ भाई। आप तो अपना कमाते हो, अपना खाते हो। मोदी ने रोड बना दिया। हाँ। बच्चों के लिए सब कुछ सोचा है। हाँ। जो बीबियां बहना है, जो रंडी है, उनको 3-3 हजार रुपया महीना लगा दिया है। हाँ। उनको के लिए सबसे अच्छा हो गया। मोदी काम कर रहा है, इसलिए हम लोग मोदी मोदी करते हैं। अच्छा। हाँ जी, क्या किया है? हमको तो नजर नहीं आ रहा है। सड़कें पहले भी थी, सड़कें आज भी हैं। लोग अपना कमाते खाते थे आज भी, कल भी कमाते खाते थे आज भी। देखो मोदी ने कितना रोड बनाया, अच्छा सब कुछ बना रहा है। और हम लोग जम्मू में जाते थे ना इलाज कराने के लिए, वो बोलते थे लुधियाना में जाओ, चंडीगढ़ में जाओ, अभी एम्स इधर बन रहा है। तो देखो कितना बड़ा है। और हमारी पूरे युवा भी काम करेंगे उधर, वो भी सब कुछ होएगा। मोदी जैसा नेता नहीं है कोई, ये मैं लेट के। जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बढ़िया नेता कौन? मोदी, नरेंद्र जी मोदी। आय भी बढ़ी है और खर्चा भी। हाँ जी, खर्चा भी ठीक कह रहे भैया। ये ऐसा तो नहीं बीजेपी वाले हैं झंडा लेकर चलते हैं इसलिए मोदी जी की तारीफ? सर मेरे पास हो वोट मोदी का है। जो हमारे जो लोकल नेता है वो नहायत ही निकम्मे हैं। लोकल नेता आते नहीं, आप नहीं आते हैं, मिलते नहीं है। एमपी को हाल चाल नहीं लेते। जुगल किशोर को देख लो, पब्लिक में आए। हाँ। मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, नाराजगी है। हाँ, बिल्कुल लोकल नेताओं से। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है रामगढ़, हमारा लोकल लीडर ही नहीं, नीचे से कोई शांबा का खोया, कोई विजयपुर ऊपर का लीडर है, कहीं नीचे लीडर मर गया सर। तो इस बार क्या मुद्दा है? चुनाव देखिए, चुनाव सामने है, एक हफ्ता बचा हुआ है। मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आप लोग देंगे मोदी जी के नाम पर या काम मोदी के? नहीं देंगे हम, नहीं दे रहे। मोदी के नाम पर क्या देने? किसकी सरकार बना रहे हैं? अपने बलबूते पर मांगे, अपने काम पे मांगे ना। मैंने किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? सरकार तो मोदी की बनेगी। हाँ। लेकिन वोट दोगे किसी और को? सरकार चाहिए मोदी जी वाली, इनके लीडर। मैं देख, मैं वोट जनता जो लेडीज है ना वो मोदी के साथ है। कैसा माहौल है? चुनाव 10 साल बाद हो रहा है, कोई उत्साह है इस बार? हाँ सर बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव माहौल है इस बार। चुनाव बड़े मतलब अच्छे से हो रहा है। हाँ। इससे पहले कभी इतना इन्वॉल्वमेंट देखा नहीं हमने। हाँ। मतलब नेशनल पार्टीज का, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का। मतलब जो लोकल रीजनल पार्टीज होती थी उनका बोलबाला ज्यादा होता था। इस बार मतलब नेशनल पार्टीज का ज्यादा बोलबाला है। तो 10 साल गवर्नर रूल रहा है, 10 साल बाद चुनाव में जा रहा है जम्मू कश्मीर, इंतजार था आप लोगों को चुनाव का? जी सर बिल्कुल, चुनाव का इंतजार तो बिल्कुल था। और 10 सालों से काम भी बहुत ज्यादा हुए, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब काफी चीजें डेवलप हुई हैं, मतलब ये टाइम के साथ होनी थी, जहाँ मोदी जी ने करवाई हैं, जैसा भी है, बट इम्पैक्ट अच्छा है। काम हुआ है जम्मू कश्मीर में कि नहीं हुआ है?
सारे लोग हाथ उठा कर बताओ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है भैया, बहुत हुआ है भाई, काम हुआ है, काम हुआ है, काम तो हुआ, काम हुआ है। किसकी सरकार में काम हुआ है? मोदी की सरकार में। आप 5 घंटे में हम जम्मू से दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये कभी सोचा था? राहुल गांधी कब लगाई है गाड़ी, उसकी सोच नहीं थी उनके पास, इनके पास ये वाली बात ही नहीं, सोच बचा रही थी। सोच किस पार्टी की ज्यादा अच्छी है? मोदी की अच्छी बात, अच्छी पास है इनकी। ट्रेन आप लोग बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते, क्यों नहीं चाहते? नहीं, पार्टियों को सरकार का बदलाव चाहते कि नहीं? नहीं, एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहते कि पहले? तो पहले कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं? हाँ भैया, नहीं बताइए दादा, बिल्कुल नहीं कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं? नहीं। तो देखिए, ये थी जम्मू के कठुआ से जनता की राय। इस बार के चुनाव में कठुआ किस तरफ जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। फिलहाल कठुआ से आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और जिले में, कुछ और बॉर्डर के इलाकों में चलेंगे, जानेंगे जनता की राय और जानेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव में क्या है परेशानियां, क्या है मुद्दे, किसकी बन रही है सरकार। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।